जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास है ये पैकेट और इसके अंदर है बटरफ्लाई का इलेक्ट्रिक केटल। तो आइए सबसे पहले करते हैं इसे ओपन और देखते हैं कैसा है बटरफ्लाई का इलेक्ट्रिक केटल। तो ये है बटरफ्लाई फेस्टिवल कॉम्बो पैक। इसके अंदर हमें बटरफ्लाई का 1.5 लीटर का इलेक्ट्रिक केटल मिल रहा है और साथ ही साथ 750 ml की वाटर बॉटल भी हमें यहाँ मिल रही है। आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो इस समय फ्लिपकार्ट पर द बिग बिलियन डे सेल चल रही है, उसके अंदर ये आपको काफी सस्ता इस समय मिल जाएगा। और बॉक्स के इस साइड आप देख सकते हो सारी डिटेल दे रखी है। 1500 वॉट का केटल है ये और यहाँ पर आप इसकी MRP देख सकते हो। MRP दे रखी है 1499 रुपीस, लेकिन इस समय दिवाली सेल चल रही है तो उसमें आपको ये बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। अगर आप इस कॉम्बो को परचेज करना चाहते हो तो ये कॉम्बो आपको इस समय मिल जाएगा केवल 645 रुपीस में। अगर आप इन दोनों को अलग अलग परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको केवल केटल खरीदना है तो केटल आपको इस समय मिल जाएगा केवल 545 रुपीज में। साथ ही साथ अगर आपको बॉटल परचेज करनी हो तो बॉटल आपको मिल जाएगी केवल 270 रुपीज में। इन दोनों के बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। इस समय आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर इसके साथ सबसे पहले हमें मिलता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कैसे आपको इसको यूज़ करना है, क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक वारंटी कार्ड दिया गया है। इस प्रोडक्ट पर हमें वारंटी दी गई है पूरे एक साल की। और ये है इस इलेक्ट्रिक केटल का बेस। ये इलेक्ट्रिक केटल पूरी तरह से कॉर्डलेस है। इलेक्ट्रिक केटल को इसके ऊपर रखने के बाद इस बेस के थ्रू पावर मिलती है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका बेस बना हुआ है बहुत ही मजबूत प्लास्टिक से, जिसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। अगर इसकी केबल की बात करें तो काफ़ी लंबी केबल, 1 मीटर की केबल हमें यहाँ दी गई है और क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन मुझे लग रही है। तो यह है बटरफ्लाई रैपिड 1.5 लीटर इलेक्ट्रिक केटल। सबसे पहले आप इसके हैंडल का डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन यहाँ दिया गया है। ग्रिप काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ हैंडल की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी हमें यहाँ पर मिल रही है। और ये हैंडल पूरी तरह से हीट रेजिस्टेंट है, यानी आप केटल के अंदर गर्म पानी या गर्म चाय वगैरह अगर इसके अंदर है तब भी आप इसे ईजिली इस हैंडल के थ्रू पकड़ सकते हो। बिल्कुल भी यहाँ पर ये हैंडल गर्म नहीं होगा। हैंडल के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जिससे हम इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर इसके बॉडी बिल्ड की बात करें तो इसके बॉडी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जो कि काफ़ी हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील लग रहा है। साथ ही साथ आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, काफी बढ़िया फिनिशिंग हमें यहाँ दी गई है। अगर बात करें इसके बाकी हिस्से की तो ये सारा कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है, काफी बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक हमें यहाँ दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक केटल को पावर देने के लिए इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट को हम अपने बेस के ऊपर रखेंगे। जैसे ये बेस दिया गया है इस तरह से यहाँ पर हम इसे रख सकते हैं। और जब भी आपको इसे यूज़ करना हो, यानी आपका पानी या चाय गर्म हो जाती है, आपको कप वगैरह में डालनी है, तो आप सिंपल इसको इस तरह से उठा सकते हो। कोई भी वायर का झंझट इसके अंदर नहीं है, पूरी तरह से कॉर्डलेस है ये। और यहाँ पर इसका लिड दिया गया है। लिड में आप देख सकते हो एक पुश बटन दिया गया है। जब हम इसे प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, तो ये अनलॉक हो जाएगा और इस तरह से ओपन कर सकते हो आप इसे। अंदर आप देख सकते हो काफ़ी आसानी से हम इसे क्लीन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पर जो इसका मुंह है बहुत बड़ा दिया गया है, काफ़ी बड़ा मुंह यहाँ पर दिया गया है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है, इस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर आप मैगी बना सकते हो, पास्ता बना सकते हो, मैक्रोनी बना सकते हो, चाय बना सकते हो, दूध गर्म कर सकते हो, बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो। मल्टीपर्पज इलेक्ट्रिक केटल है ये। और इस इलेक्ट्रिक केटल के साथ इस कॉम्बो पैक में हमें मिलती है एक वाटर बॉटल, देख सकते हो आप, बटरफ्लाई इको फ्रेंडली
वाटर बॉटल है ये, पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बनी हुई बॉटल है। यहाँ पर आपको इसका लिड देखने को मिल जाता है, इसे आप इस तरह से ओपन कर सकते हो, अंदर से इस तरह से ये दिया गया है, पूरी तरह से ये भी स्टेनलेस स्टील का है और इसका कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ दी गई है। और ये है 750 ml की बॉटल, इसे आप एज ए वाटर बॉटल यूज कर सकते हो। इस इलेक्ट्रिक केटल को यूज करना बहुत ही आसान है, इसका ये जो बेस है इसे आपको डायरेक्ट अपने पावर सॉकेट पर कनेक्ट कर देना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये 1500 वॉट का इलेक्ट्रिक केटल है इसलिए आपको इसे 20 एम्पियर के सॉकेट पर कनेक्ट करना है। मैं इसीलिए किचन में आ गया हूँ, किचन में ज़्यादातर 20 एम्पियर के सॉकेट्स हमें मिल जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक पावर सॉकेट दिया गया है, ये 20 एम्पियर का पावर सॉकेट है, इसके अंदर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसके बेस को पावर सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक केटल को लेंगे, यहाँ से इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे। मैंने इसके अंदर पानी ले लिया है, इसके लिड को बंद कर देते हैं, ये लॉक हो गया, और उसके बाद आपको सिंपल इसे रख देना है इसके बेस के ऊपर। यहाँ पर बेस पर हम इसे रख देंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हमें एक पावर इंडिकेटर दिया गया है, देख सकते हो ये पावर इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है और जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे ये पावर इंडिकेटर ग्लो होने लगेगा। इसके हैंडल पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑन ऑफ बटन दिया गया है, इस बटन को जैसे ही आप ऑन करोगे पावर इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा और जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा यानी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर जब हमारा पानी आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक केटल अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके अंदर ओवर हीट प्रोटेक्शन दी गई है, ओवर लोडिंग प्रोटेक्शन दी गई है, ऑटो कट हमें इसके अंदर दिया गया है, यानी जब हमारे पानी का टेम्परेचर एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो ये अपने आप ही बंद हो जाता है और जैसे ही पानी का टेम्परेचर फिर से डाउन होना स्टार्ट होगा यानी पानी ठंडा होना स्टार्ट होगा तो ये फिर से अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है और पानी को फिर से गर्म करने लगता है। तो इसे हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं, जैसे ही हम ऑन करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पावर इंडिकेटर ग्लो करने लगा है और पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो ये अपने आप ही ऑटो कट हो जाएगा और बहुत जल्दी इसके अंदर पानी गर्म हो जाता है, कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकेंड में पानी इसके अंदर गर्म हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक केटल की एक खासियत मुझे और बढ़िया लगी क्योंकि जो इसका मुँह है वो काफ़ी बड़ा है, ये एक मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रिक केटल है, इसके अंदर आप मैगी बना सकते हो, पास्ता बना सकते हो, मैक्रोनी बना सकते हो, दूध उबाल सकते हो, चाय बना सकते हो, पानी गर्म कर सकते हो, बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो। पानी उबलने की आवाज़ आने लगी है यानी हमारा पानी गर्म हो गया है, उबलने लगा है, यहाँ से भाप भी आने लगी है, कुछ ही सेकंड बाद ये अपने आप ही ऑटो कट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करोगे तो ये अपने आप ही इंडिकेटर बंद हो जाएगा, इट मींस हमारा इलेक्ट्रिक केटल ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा पावर इंडिकेटर बंद हो गया और ये ऑटो कट हो गया है, बंद हो गया है, पानी हमारा बॉइल्ड हो गया है, तैयार हो गया है यूज़ करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी बॉडी को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाता है, इसे टच नहीं करना है, आपको हमेशा इसका हैंडल पकड़ के ही इसे उठाना है, इसका हैंडल हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ है तो ये हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। तो दोस्तों बटरफ्लाई का ये इलेक्ट्रिक केटल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, साथ ही साथ इसकी कीमत भी बहुत ही कम है। इस समय फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर इसकी सेल चल रही है, उसमें आपको ये और भी कम कीमत में मिल जाएगा। इस समय अगर आप इसे ऑर्डर करते हो तो इसकी कीमत आपको पड़ेगी केवल 546 रुपीज। और अगर बात करें इसके बॉटल की, जो बॉटल इसके साथ आई हुई है ये मुझे बिल्कुल बकवास लगी। बकवास मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि इसके अंदर अगर हम गर्म पानी रख देंगे या चाय हम इसके अंदर रख देंगे तो वो ठंडी नहीं होगी, गर्म बनी रहेगी, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल बॉटल है, यानी अगर आप इसके अंदर गर्म पानी भर देते हो तो ये ऊपर से इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगी आप इसे हाथ से पकड़ भी नहीं सकते, तो ये पूरी तरह से यूजलेस है। यानी अगर आप नॉर्मल पानी वानी पीने के लिए यूज़ करना चाहते हो तब तो ठीक है, लेकिन जिस पर्पज़ से मैंने इसे मंगाया था वो पर्पज इससे सॉल्व नहीं हुआ है। तो दोस्तों बटरफ्लाई का ये इलेक्ट्रिक केटल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।